ये बात सुना, ठीक है। ये मतलब ये है कि वेद के शब्दों से अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? लोक में तो अर्थ ज्ञान के लिए कई दूसरे उपाय हैं। शक्तिग्रहम व्याकरण क्या है? शक्तिग्रह जो है व्याकरण से होता है, उपमान से होता है, कोश से होता है, आप्तवाक्य से होता है, व्यवहार से होता है, और सिद्ध पद के सान्निध्य से शक्तिग्रह हो जाता है। तो शक्तिग्रह का अर्थ यह है कि किस शब्द में किस अर्थ को जनाने की शक्ति है, इसी को वाच्यता कहते हैं। किस शब्द में किस अर्थ को जनाने की वाच्यता है, तो इसका तो ज्ञान अन्य उपायों से हो सकता है, लेकिन वेद शब्द और वेदों का जो अर्थ है उसका संबंध तो नित्य है। तो कैसे आपको पता लगेगा कि किस शब्द का कौन सा अर्थ है? तो इसके उत्तर में ये कहा गया कि जो लोक में शब्दों का अर्थ है वही वेद में, इसलिए उनके अर्थ का अन्वेषण करने के लिए पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया न पुरुष मूलता जन्म क्षेत्र प्रमाण तदित विचारादि हम अपेक्षे वेदो अर्थम प्रतिपादित तरी सापेक्षतया तस्यान अपेक्षत्वं भाजितम चाहिए। अब आपका जो ये ग्रंथ है, यहाँ अब आ रहा है मूल में कि आपका जो ये संक्षेप शारीरिक ग्रंथ क्या है? विचार है। तो इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि और शब्द जो हैं उनके अर्थ के संबंध में हमको ज्ञान हो जाता है, और हाँ ये है कि धर्म का हमको ज्ञान वेदों से हो जाता है, तो अब हमको धर्म के संबंध में जिज्ञासा बन जाती है। और यहाँ ब्रह्म का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से तो होता नहीं, केवल वेद से ही होगा। वेद माने महावाक्य, यहाँ महावाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो ब्रह्म ज्ञान महावाक्य से हो जाएगा, तुम ये पोथी कौन आ रहे हो? क्या आवश्यकता है तुमको ग्रंथ रचना की? बोले भाई बात यह है कि वेद से हमको जो ज्ञान होता है उसमें असंभावना विपरीत भावना के कारण लोगों को संशय हो जाता है, तो वो प्रतिबंधक है। तो जो वेद से हमको ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए उसमें प्रतिबंध हो गया, तो प्रतिबंधता की निवृत्ति के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबंधता की निवृत्ति के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ गई। तो ये प्रतिबंध का भाव विशिष्ट ही कारण कार्य को उत्पन्न करता है, जैसा कि नैयायिकों का सिद्धांत है। अग्नि जो है काष्ठ को जलाती है, उसमें अग्नि की दायिका शक्ति तो कारण ही है, लेकिन जो मणि मंत्र औषध हैं उनका अभाव भी कारण है। मणि मंत्र औषधि के अभाव से सहकृत काष्ठ जो है उसको अग्नि जला सकती है। तो प्रतिबंध का अभाव भी एक कारण बन गया। यहाँ भी आपकी जो ग्रंथ है ये प्रतिबंध का अभाव करेगा,
आपका कहना है, तो कारणता इसमें भी आ गई कि ये प्रतिबंधक प्रतिबंधक का अभाव करेगा। तो जब इसमें कारणता आ गई तो वेद को अर्थ प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, ये सिद्धांत तुम्हारा खंडित हो गया। ये जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी से घड़ा बनता है उसमें मिट्टी का साफ चिकनी होना जरूरी है। अगर उसमें कंकड़ पत्थर है तो घड़ा नहीं बनेगा। तो कंकड़ पत्थर का न रहना भी उसमें कारण हो सकता है। ये कंकड़ पत्थर प्रतिबंधक हैं, उनका अभाव होना चाहिए। आपके वेद में भी अगर प्रतिबंधका भाव के लिए विचार की आवश्यकता पड़ गई तो वेद जो है अन्यानपेक्ष है, ये जो आपका सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप उसको फिर करते हैं तो फिर ये व्यर्थ जाएगा। यहाँ ये शास्त्रार्थ चल रहा है। तो वेदे तो पद पदार्थ संबंध भाष्यकार संबंधे अन्यानपेक्षणात् वेद स्वरूप से पौरुषत्वाच्च न पुरुष मूलता इतनापेक्षा स्वतः प्रामाण्य मुक्त। यहाँ तक हो गया ना। तदि विचार अधिकम अपेक्ष वेदो अर्थम प्रतिपादित तही सापेक्षतया तस्यानपेक्षत्व बाधितम स्यात्। यदि विचारादि की अपेक्षा करके वेद अपने अर्थ का प्रतिपादन करेगा तो वो भी सापेक्ष होने के कारण अनपेक्षत्व उसका बाधित हो जाएगा। इति सर्वोपि विचारः प्रतिबंध निवृत्ति मात्र हेतु से जितना भी विचार है वो प्रतिबंध निवृत्ति के ही कारण है, के लिए ही है। श्री सर्ववेद वेद सिद्धांत समस्त वेद वेदताओं का ये सिद्धांत है। गिरो वेदस्य अनपेक्षताम गिरह माने वेद उसका अनपेक्षता अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधनायणस्य अनपेक्षत्वात्। ये जैमिनी सूत्र है, कहते हैं अनुपलब्ध अर्थ में वेद प्रमाण है ये बाधनायण का कहना है, क्योंकि वेद को अपने अर्थ के बोध के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ये सूत्र है, इस सूत्र में इत्यर्थ प्रतिपादिता अनुवरुद्ध है। इसमें जो प्रतिपादित हुआ है उस दर्द अनपेक्षता उसका अनुपरोध उसको बनाए रखते हुए अबाधित्व मैंने उसका बाध न करते हुए सकलों विचारा सकल विचार पुरुषापराध विनिवृत्त भरा इति वेद विदा आहु। सभी विचार जो है वो पुरुषापराध की विनिवृत्ति वाला है, फलक है, ये वेदविदता कहते हैं। विचार से प्रतिबंध निवृत्ति साधनत्व फलित माह। विचार जब प्रतिबंध निवृत्ति का साधन हो जाएगा तो क्या हुआ कि जो वेदांत वेद है वो फलवत हो जाएगा। अतः इति प्रतिबंध प्रतिबंध निराशित्वाभ्युगमात इत्यर्थ है। इसलिए ये जो विचार है वो प्रतिबंध का निराश करने वाला है, इसका प्रतिबंध निराशित्व का अभ्युगम हुआ। तो प्रकृष्टम करणम निर्माणम यस्य, इसलिए इसका जो प्रकृष्टकरण निर्माण है वो विचार शास्त्र से तत्, तो विचार शास्त्र का ये निर्माण किया जाता है।